भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत दूसरी पारी में बेहद खस्ता हो गई थी। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत के साथ ही भारत लगातार अंतराल में विकेट गंवा रहा था। भारतीय टीम अपनी शुरुआती 6 बल्लेबाजों को महज 19 रन पर खो दिया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत का यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस अब तक 4 विकेट अपने नाम कर चुके थे। टीम के इस खराब प्रदर्शन पर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भड़क उठे। सहवाग ने इस पर ट्वीट कर लिखा, 19/6 टेस्ट क्रिकेट में 6 विकेट गंवाने के बाद भारत का सबसे कम स्कोर, सरेंडर कर दिए बिल्कुल यार, पर थोड़ी उम्मीद अभी भी करनी चाहिए, क्या पता कुछ जादू हो जाए। बता दें कि तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में भारत ने सबसे पहले अपने नाइट वॉचमैन जसप्रीत बुमराह का विकेट गंवाया, जिसको पैट कमिंस ने चलता किया। इसके बाद कमिंस, चेतेश्वर पुजारा को 0 और अजिंक्य रहाणे को 0 पर आउट कर दिया और उन्हें सेट होने का मौका भी नहीं दिया। वहीं दूसरे छोर से जॉस हेजलवुड ने मयंक अग्रवाल को चलता किया, जबकि पैट कमिंस ने भारतीय टीम के कप्तान विराट को भी सस्ते में पवेलियन भेजा। भारत की टीम ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 19 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवाए। इससे पहले साल 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने 25 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवाए थे। भारत की टीम ने पहली बार बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि उमेश यादव ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए।